हेलो फ्रेंड्स, यूपीपीएससी ए सिविल प्रिपरेशन वीडियो सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स, जो प्रीवियस ईयर में फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे फ्रेंड्स, उसमें से हम लोग 10 क्वेश्चंस यहां पे सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। इसके नेक्स्ट पार्ट में रिमेनिंग क्वेश्चंस हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के सॉल्व करेंगे। एक तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने का फायदा आपको ये होगा कि आपको पता चलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन पैटर्न फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा, आपको ये भी समझ में आएगा कि सब्जेक्ट में आपकी कमांड कैसी है, आपकी तैयारी उस लेवल की है कि नहीं कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि हमारे जो फ्रेंड्स प्रीमियम पैकेज के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने हमारा 600 आवर्स का वीडियो लिया है जिसमें इंटायर फ्लूइड मैकेनिक्स कवर की गई है, उनके लिए ये पेपर बहुत ईजी होने वाला है। बट डोंट वरी फ्रेंड्स, जो हमारा यूपीपीएससी का भी पैकेज लेने वाले हैं फ्रेंड्स, उसमें भी हम लोग फोकस कर रहे हैं कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो और बहुत ही लेंदी क्वेश्चन नहीं बल्कि वन लाइनर क्वेश्चंस में आपकी कमांड अच्छी हो जाए, बिकॉज आपको वहां पे एवरेज ड्यूरेशन एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का मिलेगा 1 मिनट। तो 1 मिनट में फ्रेंड्स आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो जो भी फ्रेंड्स यूपीपीएससी का पैकेज हमसे लेना चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वो हमारी प्रीवियस वीडियोस देख लें जिसमें हम लोगों ने पैकेज डिस्क्राइब किया है, या फिर फ्रेंड्स स्क्रीन में दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके भी कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। तो वन बाय वन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। पेपर वन से जो मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं, मैं आपको बता दूं। पहला क्वेश्चन, ए स्टेशनरी हाइड्रोलिक जंप अकर्स इन ए रेक्टेंगुलर चैनल विद द इनिशियल एंड सीक्वेंट डेप्थ्स बीइंग इक्वल्स टू 0.2 एंड 1.2 मीटर रेस्पेक्टिवली, द एनर्जी लॉस विल बी इक्वल्स टू। फ्रेंड्स, यहां पे हम लोगों का पूरा फोकस सॉल्यूशन पे होने वाला है, कॉन्सेप्ट्स पे बात नहीं कर रहे, जस्ट पिक करेंगे कि क्वेश्चन कहां का है। तो आप देख सकते हो हाइड्रोलिक जंप का क्वेश्चन है, और वैसे भी क्वेश्चन पढ़ते अगर यहां पे हाइड्रोलिक जंप नहीं दिया रहता कि इनिशियल डेप्थ तो 0.2 थी और उसके बाद पोस्ट जंप जो फॉर्म होती है दैट इज 1.2, तो आपको निकालना है फ्रेंड्स यहां पे एनर्जी लॉस। और एनर्जी लॉस की इक्वेशन जो हम लोगों ने डिराइव की है फ्रेंड्स, वो है y2 माइनस y1 का क्यूब एंड डिवीजन में है 4 टाइम्स ऑफ y1 इनटू y2। तो सिंपली फ्रेंड्स यहां पे वैल्यूज पुट कर दे, y2 मींस पोस्ट जंप आपको दिख रही है 1.2, y1 है यहां पे 0.2, इसका आप न्यूमरेटर में क्यूब ले लेंगे और डिवीजन में हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ y1 देख लेंगे यहां पे 0.2 और ये हो गया 1.2। तो सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, यू विल गेट हियर 1.042 मीटर। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आंसर होगा फ्रेंड्स ए। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे देखिए, इन अ रेक्टेंगुलर चैनल द डेप्थ ऑफ फ्लो इज 1.6 मीटर, स्पेसिफिक एनर्जी एट दैट सेक्शन इज 2.7 मीटर। मींस एक आपको डेप्थ दी हुई है फ्रेंड्स y 1.6, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको स्पेसिफिक एनर्जी दी हुई है 2.7। अब देखिए क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल, क्रिटिकल एंड नॉट पॉसिबल। तो आपको फ्रेंड्स वाई दिया हुआ है, आपको पता है कि मुझे चेक करना है कि फ्लो क्रिटिकल है, सुपर क्रिटिकल है कि सब क्रिटिकल है। तो आपको मैंने फ्रेंड्स ये डायग्राम बहुत अच्छी तरह से बताया है, जिसमें बताया कि अगर आपके पास वाई क्रिटिकल हो तो इससे कंपेयर करके आप बता सकते हो कि फ्लो सुपर क्रिटिकल है या सब क्रिटिकल। जस्ट मैं आपको ब्रीफ कर दूं, यहां पे वाई अगर लेस देन वाई क्रिटिकल है तो फ्लो होगा फ्रेंड्स सुपर क्रिटिकल। तो आपको यही चेक करना है, और वाई यहां पे दिया हुआ है, आपको जस्ट वाई क्रिटिकल निकालना है। तो ऐसी इक्वेशन जहां से y क्रिटिकल निकाला जा सकता है फ्रेंड्स, वो इक्वेशन मैं आपको बता दूं, y क्रिटिकल इज इक्वल्स टू होता है क्यू स्क्वायर बाय जी टू द पावर 1/3, और यहां पे q कुछ नहीं है फ्रेंड्स, डिस्चार्ज बाय विड्थ है। ठीक है, अब देखो यहां पे आपके पास e का कोई रिलेशनशिप y के साथ, तो आपको पता है e इज इक्वल्स टू होता है फ्रेंड्स y प्लस वी स्क्वायर बाय 2g। अभी मैं इन टर्म्स को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आप वीडियो लेक्चर्स में डिटेल में देख पाएंगे, जस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग। अब देखिए e की वैल्यू दी हुई है 2.7, y दिया हुआ 1.6, तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख देता हूँ 1.6 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई 2g। तो देखिए वी स्क्वायर बाई 2g को मैं लिख सकता हूँ क्यू स्क्वायर डिस्चार्ज, तो अब मैं डिनोमिनेटर वाला टर्म लिख लूँ 2 into g into एरिया, देखिए रेक्टेंगुलर चैनल है तो मैं लिख सकता हूँ विड्थ into डेप्थ। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स, बिकॉज स्क्वायर वाला टर्म डील कर रहा हूं, तो हो जाएगा बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन बनी। अब देखिए यहां पे क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं सिंपली स्मॉल क्यू स्क्वायर। ठीक है, यही मैंने बताया क्यू बाई बी, तो मैं इसको क्यू स्क्वायर से रिप्लेस कर रहा हूं। तो आप देखिए मैंने राइट हैंड साइड में क्यू स्क्वायर लिख दिया, और इसको मैं सॉल्व कर लूं 2.7 माइनस 1.6
इंटू टू इंटू 9.81 और ये y की भी वैल्यू दी हुई है, दैट इज 1.6 का स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. आप इसको सॉल्व कर लें फ्रेंड्स, यू विल गेट 55.24. तो आप देखिए q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 55.24 हुआ, हेंस q वुड बी इक्वल्स टू 7.43. तो 7.43 फ्रेंड्स वैल्यू आ गई q की. अब इस इक्वेशन से जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है y क्रिटिकल निकालने की, मैं डायरेक्ट यहां पे वैल्यू पुट कर दूं तो yc मिलेगा आपको 7.43 का स्क्वायर, डिवीजन में है 9.81 और टू द पावर 1/3. तो y क्रिटिकल यहां पे मिल जाएगा आपको फ्रेंड्स 1.77. हेंस आप देख सकते हैं 1.6 की वैल्यू इस y क्रिटिकल से नीचे है, मींस आप किस जोन में पहुंच गए, आप इस सुपर क्रिटिकल जोन में पहुंच गए. तो आंसर हो जाएगा सुपर क्रिटिकल. अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन तो वन लाइनर है, बट अगर आपको ये स्टैंडर्ड इक्वेशन और इसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा कि सुपर क्रिटिकल जोन क्या होता है, सब क्रिटिकल क्या होता है, इनके बीच का रिलेशनशिप क्या होता है, तो ये क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाते. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. फॉर ए ट्रायंगुलर चैनल हैविंग साइड स्लोप ऑफ 2 हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल द फ्रॉड नंबर f इज गिवन. फ्रेंड्स इसकी डेरिवेशन हम लोगों ने की है, आपको मैं सीधा बता दूं, f की स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर ट्रायंगुलर चैनल हैविंग 1 वर्टिकल इज टू 2 हॉरिजॉन्टल स्लोप, ये है फ्रेंड्स v अंडर रूट ऑफ 2 और डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ gy. अब देखिए इसका मॉडिफिकेशन यहां पे आंसर d में दिया हुआ है, आप कैसे देख सकते हैं इसको, इसको मैं लिख सकता हूं v अंडर रूट ऑफ g और ये डिवीजन में हो जाएगा y बाई 2, वही यहां पे ऑप्शन में दिया हुआ है. तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा d. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिटिकल फ्लो. तो फ्रेंड्स क्रिटिकल फ्लो के लिए हम लोगों ने डेरिवेशन कर रखी है ऑलरेडी, q स्क्वायर बाय g इज इक्वल्स टू a क्यूब बाय tc. ये है फ्रेंड्स टॉप विड्थ t जो यहां पे डिनोट कर रहा है क्रिटिकल फ्लो के लिए. तो आप देख सकते हैं इससे आपको क्या मिल जाएगा, q स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय tc, डिवीजन में हो जाएगा g a क्यूब इज इक्वल्स टू 1. तो इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 a वुड बी द राइट आंसर. तो क्वेश्चंस देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए फ्रेंड्स कि इवन दो क्वेश्चंस वन लाइनर है, बट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. नाउ बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 की. द वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव इन अ रिजिड पाइप कैरिंग ए फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो विस्कोसिटी म्यू वेरीज एज. तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन है वाटरहैमर का, जहां पे सी के टर्म में मींस वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड हम लोग देखते हैं इज इक्वल्स टू होता है फ्रेंड्स अंडर रूट ऑफ के बाय रो. यहां पे के क्या है फ्रेंड्स, के है यहां पे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी का डेंसिटी के साथ जो रिलेशनशिप है यहां पे कहीं पे भी आपको म्यू नहीं दिख रहा, ठीक है. तो सिंपली इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ रो. तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा डी, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. द फ्लो विल बी इन सुपर क्रिटिकल स्टेट इन द फॉलोइंग प्रोफाइल. अब यहां पे मैं आपको क्वेश्चन बताऊं फ्रेंड्स, ये है ग्रेजुअल वेरिड फ्लो की प्रोफाइल्स. तो हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 ग्रेजुअल वेरिड फ्लो की प्रोफाइल्स है फ्रेंड्स वो डिटेल में पढ़ रखी है. जस्ट मैं आपको इन प्रोफाइल्स को समझाने के लिए बता दूं कि जब भी वाई क्रिटिकल के नीचे होगा, अगर आप माइल्ड स्लोप देख रहे हैं तो वो जोन होगा फ्रेंड्स M3. अब ये आपको समझ में नहीं आने वाला अंटिल अनलेस आप लोगों ने ये प्रोफाइल्स अच्छे से पढ़ी हो. और मैंने देखा है फ्रेंड्स यूनिवर्सिटीज में सेमेस्टर में GVF प्रोफाइल्स जनरली नहीं पढ़ाया जाता, अगर आपको पढ़ाया गया है तो फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, अदरवाइज आप हमारे वीडियो लेक्चर्स में देख सकते हैं, इसमें हम लोगों ने ट्रिक्स भी बता रखी है. नाउ अब मैं बात करता हूं स्टीप स्लोप की. तो स्टीप में दो कंडीशन ऐसी होगी जब फ्रेंड्स YYC के नीचे जा सकता है, एंड दैट कंडीशन इज S2 एंड S3. सिमिलरली YY क्रिटिकल के नीचे होगा तो आपके हॉरिजॉन्टल की भी S3 प्रोफाइल बनेगी, और YY क्रिटिकल के नीचे होगा तो आपके एडवर्स की भी A3 प्रोफाइल होगी. अब देखो यहां पे पूछ रहा है सुपर क्रिटिकल स्टेट में कौन कौन सी प्रोफाइल फॉलो कर सकती है. तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहां पे S2 और S3 एक साथ है, तो S2 S3 एक साथ दिख रहा है आपको, और M3. तो M3 में भी मैंने बताया कि YY क्रिटिकल के नीचे होगा, फ्लो सुपर क्रिटिकल होगा, और यहां पे M3 की माइल्ड स्लोप बनेगी. बाकी में आप देख सकते हैं S1 S2, तो S1 तो होगा नहीं, तो ये कंडीशन भी रॉन्ग हो गई. M3 तो यहां पे सही है बट M1 सही नहीं है, तो ये कंडीशन भी रॉन्ग हो गई. सिमिलरली यहां पे आप देख सकते हैं M2 वैलिड नहीं है, S1 भी वैलिड नहीं है,
M3 वैलिड है, बट ये ऑप्शन रॉन्ग है। तो ये सी ही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, जिसकी सारी प्रोफाइल्स में YYC से नीचे होगा और जोन जो होगा वो सुपर क्रिटिकल का होगा। तो जिन्होंने GVF पढ़ा फ्रेंड्स, उनको ये चीजें समझ में आ रही होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आपको यहाँ पे दिया हुआ है साई फंक्शन, स्ट्रीम फंक्शन, साइज इक्वल टू 2xy, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एट 2 and -2। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए वेलोसिटी वेक्टर मैं निकालूंगा कैसे, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर मींस एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी का स्क्वायर करूंगा, उसका स्क्वायर रूट ले लूंगा, ठीक है। तो अब मुझे यू चाहिए, यू क्या होता है फ्रेंड्स साई के टर्म में, डेल साई बाई डेल वाई। सिमिलरली वी क्या होता है, वी होगा माइनस डेल साई बाई डेल एक्स, ठीक है। अब इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, फाइनल वैल्यू देखते हैं यहाँ पे क्या मिलने वाली, साई है 2xy, तो यू क्या हो जाएगा डेल साई बाई डेल वाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्या मिलेगा, सिंपली 2x। सिमिलरली यहाँ पे v निकाल लेते हैं, माइनस डेल साई बाई डेल एक्स करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे 2y, क्लियर है। अब देखो आपको 2 और माइनस 2 पे वैल्यू निकालनी है, तो u यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर x की वैल्यू 2 रखोगे तो ये u हो जाएगा 4। सिमिलरली v क्या हो जाएगा, माइनस 2 दी हुई वैल्यू, y की वैल्यू माइनस 2 रखोगे तो ये अगेन 4 हो जाएगा, ठीक है। हेंस आपका वेलोसिटी वेक्टर क्या बन गया फ्रेंड्स, 4² + 4² अंडर रूट ऑफ 4² + 4² करोगे तो 32 होगा। 32 को आप लिख सकते हो 4 × 4 × 2, ठीक है। एक 4 बाहर आ जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, 4 √2। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 ए वुड बी द राइट आंसर। तो इसको एक बार आप भी बना के देखेंगे, इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्टी आएगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फॉर ए लाइन सोर्स वेरीज विथ रेडियल डिस्टेंस। फ्रेंड्स ये एज इट इज क्वेश्चन हम लोगों ने अपने वीडियो लेक्चर्स में कवर किया है कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर का। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं आर की वैल्यू रिड्यूस करता चला जाऊं, अगर आप ये जो सोर्स है या सिंक मैं इसको बोलूं, अगर आर की वैल्यू रिड्यूस करोगे तो वेलोसिटी आपकी इनॉर्मसली इंक्रीज होगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आर की वैल्यू अगर बढ़ाता चला जाऊं तो आप देख सकते हो वेलोसिटी जो डिक्रीज होती चली जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा फ्रेंड्स ए। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। इन अ पाइपलाइन द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज अबव द पाइप सेंटर लाइन इन ए लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन एट ए पॉइंट ए एंड बिलो द पाइप सेंटर लाइन एट अनदर पॉइंट बी। फ्रॉम दिस इट कैन बी इन्फर्ड दैट, पहले तो आप समझो कि ये बोल क्या रहा है। HGL आपको पता है क्या होता है, P बाई गामा प्लस Z का सम होता है, ये HGL। और अगर मैं EGL की बात करूं, एनर्जी ग्रेडियंट लाइन, तो इसमें V² / 2G का टर्म जुड़ जाता है। ये सारी चीजें फ्रेंड्स हम लोगों ने ऑलरेडी फ्लूड डायनेमिक्स में कवर कर रखी है, तो जिन्होंने ये फ्लूड डायनेमिक्स पढ़ा है हम लोगों से तो उसको ये समझ में आ रहा है व्हाट इज HGL व्हाट इज EGL। तो आपको मैंने बताया था HGL की लाइन फ्रेंड्स पाइप के सेंटर से ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। नीचे जाएगी क्यों जाएगी, अगर मैं यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी सी कंडीशन है, मैं आपको बता दूं कि ये बोल रहा है कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन अबव द पाइप सेंटर लाइन है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन एट पॉइंट ए। HGL ए पॉइंट पे तो इस पाइप के सेंटर के ऊपर है, लेकिन ये पाइप सेंटर के नीचे चला जाता है एट पॉइंट बी पे। तो कैसी पाइप हो सकती है फ्रेंड्स, जस्ट मैं आपको इमेजिन करवाऊं, ये एक सेक्शन है और ये एक सेक्शन है। अब सपोज करो मैं एक डेटम से जेड लेके चल रहा हूं, से दिस इज Z1 एंड से दिस इज Z2, ठीक है। अब यहां पे पाइप का सेक्शन का ये डाया है, से मैं इसको बोलता हूं P1 / गामा, ठीक है। यहां पे पाइप का देखिए डाया रिड्यूस हो गया है, तो यहां पे वेलोसिटी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बढ़ेगी कंटिन्यूटी इक्वेशन से, और आपको एक P2 / गामा का टर्म मिलेगा जहां पे प्रेशर रिड्यूस होने वाला है, क्लियर है। अब ये सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है। तो आपका HGL फ्रेंड्स जो बोल रहा है कि Z1 + P1 / गामा ये HGL की लाइन है, ये यहां पहुंचते पहुंचते ये लाइन इस पाइप के जो सेंटर की लाइन है उससे नीचे चली जाती है। तो ये कब होगा आप देख सकते हैं, अगर यहां पे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हुआ फ्रेंड्स तभी ये HGL की लाइन इसके नीचे चली जाएगी, अदरवाइज ये इसके ऊपर रहने वाली है। बिकॉज P2 / गामा अगर पॉजिटिव होगा तो ये सेंटर के नीचे कभी नहीं आने वाली, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वैक्यूम प्रेशर आपने इस पॉइंट बी पे क्रिएट किया है तभी ये फ्रेंड सेंटर लाइन के नीचे चली गई। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको पहला ऑप्शन पढ़ते साथ ही समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। इन ए स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन द मोमेंटम फ्लक्स इन ए गिवन एक्स डायरेक्शन पास्ट ए गिवन सेक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज। तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं फ्रेंड्स कि मोमेंटम का एक्स डायरेक्शन में जो वैल्यू होगी वो क्या होगी,
रो इंटू क्यू इंटू वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन. तो यहां पे एक्स की बात हो रही तो एक्स डायरेक्शन, ठीक है. तो आप देख सकते हैं रो इंटू क्यू इंटू वी एक्स, तो ऑप्शन होगा सी. तो यहां पे हम लोगों ने फ्रेंड्स टोटल 10 क्वेश्चंस कर लिए. एक तो आपको पैटर्न समझ में आ गया किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बट अगेन सब्जेक्ट पे कमांड नहीं होगी तो फ्रेंड्स आप बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करने वाले हैं. एक तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है. देख सकते हैं जीवीएफ प्रोफाइल नहीं पता, स्ट्रीम फंक्शन नहीं पता, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत समय लेंगे आप. आपको लगेगा लेवल 3 के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मींस आउट ऑफ द सिलेबस. बट रेकॉन सिविल एकेडमी के फ्रेंड्स वीडियो लेक्चर डेफिनेटली यहां पे हेल्प करेंगे. आप हर एक क्वेश्चंस को विथ ईज सॉल्व कर सकते हैं यहां पे. तो यूपीपीएससी का कोर्स 3 फरवरी से पहले लेने के लिए फ्रेंड्स आप वीडियो में दिए गए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. अदरवाइज इसकी फीस फ्रेंड्स आपको 4000 रुपए ज्यादा देनी पड़ेगी. 10,000 रुपीज दे के फ्रेंड्स आप इस कोर्स को ले सकते हैं. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए. टिल देन कीप वॉचिंग रेकॉन सिविल एकेडमी वीडियोज. इंजॉय योर इंजीनियरिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम टीम रेकॉन सिविल एकेडमी.